Too many thoughts on my mind, I can't sleep in. तो भाई लोग कैसे हो? तो भाई लोग, PUBG बैन हो चुका है और डाउनलोड करने का कोई ऑप्शन नहीं है, पर तुम्हारा भाई दो ट्रिक्स लेके आया है जिस पे आप एकदम आराम से डाउनलोड कर सकते हो। पहला ऑप्शन है APK प्योर, जिस पे आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं सारे गेम्स, सारे ऐप्स। तो APK प्योर अगर आप डाउनलोड करेंगे तो अच्छी बात है, पर अगर डाउनलोड नहीं करेंगे तो गूगल क्रोम पे आके सर्च करिए APK प्योर। तो उस पे एंटर करके एकदम आपसे सर्च बटन पे जाना है। सर्च बटन पे जाके ही आपको टाइप करना है पबजी मोबाइल। पबजी मोबाइल आप जैसे टाइप करेंगे आपको तरह तरह के वैराइटीज़ मिल जाएंगे, देख सकते हैं। एकदम टॉप पे रहेगा ग्लोबल वर्जन, तो आपको क्या करना है, ग्लोबल वर्जन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा एकदम फर्स्ट टू लास्ट, एकदम टोटल साइज़ में 1.9 GB का, एकदम आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करके आप अंदर से भी डाउनलोड करना पड़ेगा, वो एक लोचा है, पर आपको क्या ही कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर तो मिल नहीं रहा आपको, तो डाउनलोड करना पड़ेगा। तो चलिए डाउनलोड करते हैं। तो जैसे कि देख रहे हैं एकदम आराम से डाउनलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई लोग चलिए सेकंड ऑप्शन पे। सेकंड ऑप्शन बहुत ही इजी है, तो खास कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, एकदम आराम से। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक मिल जाएगा जो डाउनलोड करने का, डायरेक्ट डाउनलोड करने का एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। बस आपको करना है कि क्लिक करना है और आपका जीमेल सेट करना है, तो आपको सीधा लेके चल जाएगा ड्राइव फोल्डर पे। तो ड्राइव फोल्डर पे आप एकदम आराम से डाउनलोड कर सकते हैं एकदम। तो डाउनलोड जैसे ही हो जाए आपको बस फोल्डर पे क्लिक करना है, उसके बाद आपका जो डाउनलोड हुआ पबजी मोबाइल ऐप है उसको बस इंस्टॉल करना है, पुराने पबजी मोबाइल ऐप के ऊपर इंस्टॉल करना है, अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल नहीं करना है। तो इंस्टॉल हो जाने के बाद पबजी मोबाइल बस ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे आपको ऊपर एक डाउनलोड वाला ऑप्शन मिल जाएगा, तो इधर से आप डायरेक्ट डाउनलोड करना पड़ेगा क्योंकि प्ले स्टोर पर तो ऑप्शन नहीं है डाउनलोड करने का, तो डायरेक्ट आप अपडेट नहीं कर सकते, तो ऐसे ही आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ये हार्डली 10 मिनट्स तक टाइम लेगा, उसके बाद ही शिफ्ट हो जाएगा दूसरे डाउनलोड की ओर। तो दिखाते हैं आपको जब डाउनलोड हो जाएगा तब कैसा होता है। बूम गाइस, तो देख ही सकते पूरा टोटली चेंज हो चुका है एकदम, पूरा नया थीम आ चुका है, पूरा नया लॉबी सब कुछ आप देख सकते हैं। थोड़ी देर में बस डाउनलोड होने की ही देर है। डाउनलोड हो जाने के बाद आपको बस करना है कि ये ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाने का एक ऑप्शन मांगेगा, तो ऑप्शन जैसे ही आएगा उसके बाद दिखाते ये हो गया डाउनलोड, उसके बाद देखिए रिस्टार्ट करने का ऑप्शन दे रहा है। तो जैसे ही हम लोग रिस्टार्ट कर देंगे आप देखिए, देख सकते कि टोटली लोगो हो चुका है चेंज, पबजी का लोगो, बस क्लिक कर दीजिए। उसके बाद देखिए जैसे हम लोग एंटर करेंगे, तब तक के लिए भाइयों आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलिएगा। तो फट से सब्सक्राइब मार दीजिए एकदम, और लाइक मारना मत भूलिएगा इस वीडियो को, एकदम दबा के लाइक कर दीजिए। तब तक देखते हैं, ये लीजिए हो गया है ओपन पबजी मोबाइल का, अभी फील करेंगे एक साथ मिलके, देखिए। हाँ तो भाइयों माहौल हो गया एकदम फुल टू टाइट, ग्राफिक्स तो देख ही सकते हैं एकदम टोटली चेंज हो चुका है एकदम, बहुत ही हार्ड एकदम, बस देखिए। तो यार भाइयों क्या ही कहने, एकदम लाजवाब बोले तो। अभी ये रहा, एंट्री मार लिया हम लोगों ने लॉबी पे, तो लॉबी देखिए एकदम पूरा चेंज हो चुका है, एकदम धांसू एकदम बोले तो खतरनाक।
तो जैसे ही देख सकते हैं कि हम लोग स्लाइड जैसे ही करते तो फटाफट चेंज हो जाता है। इनफैक्ट काफ़ी धांसू लग रहा है, आउटफिट्स तो एकदम कही कहने पहले से बहुत ही हार्ड हो चुका है, एकदम तगड़ा वाला ग्राफिक्स लगा दिया एकदम। प्ले स्टोर पर अगर आपको आप चाहते हैं कि आपको मिल जाए तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वो 11 तारीख को आएगा, अनबैन 11 तारीख को होगा। तो उससे पहले अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको ज़्यादा मेहनत करना है तो एपीके प्योर से डाउनलोड कर लीजिएगा, अगर आपको कम मेहनत करना है तो लिंक दिया हुआ है, आप डाउनलोड कर लीजिए एकदम आराम से। तो अब आते हैं गेम की तरफ, चलते चीआर पर्क की तरफ। तो ये लीजिए, आ गए हम लोग चीयर पार्क में। तो चीयर पार्क में हम जैसे ही आ गए, अभी चेंज करेंगे थोड़े सेटिंग्स की। सेटिंग्स पे आप देख सकते हैं ग्राफिक्स हो गया है अल्ट्रा एचडी तक आ चुका है, इनफैक्ट एक नया ऑप्शन भी खुल चुका है। तो अभी हम फिलहाल के लिए मेरा लास्ट ऑप्शन है, हाईएस्ट सेटिंग है मेरा एचडी पे, तो एचडी पे करते हैं, देखते हैं और ग्राफिक्स कैसा लग रहा है। ग्राफिक्स हो चुका है एकदम ताबड़तोड़, देखते हैं एकदम बोले तो लाजवाब। जैसे कि देख सकते हैं पानी का कलर देखिए भाई साहब, बोले तो जलवा एकदम लहरें आ रही है, एकदम हवा का झोंका एकदम उड़ा के लेके जाएगा। तो भाई वो ग्राफिक्स का तो क्या ही कहने, एकदम तगड़ा, एकदम परछाइयाँ देख सकते हो एकदम पैरों की। तो अभी दिखाया था एक मेन चीज़ जहाँ पे आपको आना है और आपको एक्सप्लोर करना है। तो एक्सप्लोर बोले तो एकदम धांसू वाला एक्सप्लोर, जहाँ पे आपको एक नई नई चीज़ें मिल जाएंगे। तो देखिए ये लीजिए, अभी चीयर पार्क पे तो नए नए चीज़ आने लगेगा। इनफैक्ट इसको खोलना कैसे मुझे ये पता नहीं है, तो मैंने एक बंदे से हेल्प लिया, फिर भी खास कुछ उखाड़ नहीं पाया लौंडा। तो इधर से निकल जाना ही बेटर समझा, तो मैं निकल गया। तो भाई हो इसी के साथ मैंने सोचा कि इरंगल मैच भी खेला जाए, तो इरंगल मैच पे तुम्हारा भाई हो चुका है एंटर पे। तो खास कुछ सर्वर चेंज नहीं किया, एशिया पे ही खेल रहा हूँ मैं, अभी सोलो पे खेल रहा हूँ। तो खास कुछ तुम्हारा भाई उखाड़ेगा नहीं इस मैच पे, पर अब ग्राफिक्स तो देख ही सकते हैं एकदम हो चुका है तगड़ा। ग्राफिक्स देख के मैं तो मनमोहित तो हो चुका हूँ, फिलहाल मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं मैच। तो भाई हो ये देखिए पानी में देखिए, जैसे पानी देखा एक भोजरी वाला तैरने लगा, अभी क्या ही कर सकते हैं, लौंडा तैरना चाहता है तो तैर रहा है, एकदम लहरें दे रहा है। और सन का तो रिफ्लेक्ट देखिए एकदम क्या ही कहने। आप मैप देखिए, बस मैप बहुत हो चुका है टोटली चेंज, एकदम आउट ऑफ सर्विस, एकदम आउट ऑफ वर्ल्ड, क्या ही बोले। अब देखिए तुम्हारा भाई उतरेगा मिलिट्री बेस पे, तो मिलिट्री बेस पे तो ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा तुम्हारा भाई, क्योंकि तुम्हारा भाई पहले ठिल जाएगा। तो बंदे आएंगे दवा दब, तो तुम्हारा भाई भी पहले का दवा दब, उसके बाद ठिल जाएगा। तो ठिलने से पहले जितना हो सके मैं दिखा सकता हूँ, क्योंकि ये एक शॉर्ट गेम प्ले है। फिलहाल के लिए तुम्हारा भाई उतर चुका है मिलिट्री बेस पे, तो देखिए मिलिट्री बेस पे तुम्हारा भाई कैसे तबाही मचाता है। भाई साहब ग्राफिक्स देख रहे हो भाई, पागल हो जाएंगे हम लोग भाई, तगड़ा ग्राफिक्स है एकदम, पूरा चेंज हो चुका है एकदम, क्योंकि पूरा एक्सचेंज कर दिया एकदम पुराने वाला इरंगल से, ये इरंगल 2.0 का पूरा एक्सचेंज हो चुका है, रिप्लेस हो चुका है। तो फिलहाल के लिए तुम्हारे भाई को कुछ लूट वूट तो मिलेगा नहीं, तो अभी धोती उठा के भागना पड़ेगा, क्योंकि पीछे से तो एकदम धमाकेदार फायर देने वाला है तुम्हारे भाई को, बस देखते रहो। माँ की चूत भाई साहब, भाई का हेल्थ एकदम डवाडोल कर दिया एकदम, इसकी माँ का चोला बाप का खोला। तो इसी के साथ तुम्हारा भाई अभी दौड़ेगा एकदम, दौड़ते तुम्हारे भाई बंदे ठिलाएगा, देखो बंदे कैसे ठिलाता है। फिलहाल के लिए तुम्हारे भाई मारेगा फर्स्ट टूट मार के तुम्हारा भाई कैसे देखो सबको धोता है। दार चोद भाई साहब, किल झेल दिया
की माँ का चोला, डायरेक्ट पेटी बनाएंगे, डायरेक्ट पेटी बनेगा इसका। तो भाई तुम्हारा भाई अभी एक खतरनाक सपड़े मारेगा, तो बस देखिए इसको तो कहीं कहने। इसकी माँ का टना बाप चल रही है चना, भाई साहब ये बंदा सोच भी रहा होगा इसके साथ क्या हो गया बे, माँ का बहुत ज़्यादा। तो आओ भाइयों, तुम लोगों को दिखा है एक ब्रांड न्यू चीज़, जिससे आपको एक बंदूक तो आराम से मिल ही जाएगा, क्योंकि पहले तंबू में जैसा था वैसे बम्बू में आज है, क्या ही कर सकते हैं। देखिए तो इसमें दे दिया मेरे अपन को कार 98, तो तुम्हारा भाई कार 98 उठा के तुम्हारा बंदे को पेलना चालू कर देगा। तो देखते रहिए बस कैसे पेलना चालू कर देता है तुम्हारा भाई। भाई साहब पेलिस, रुको रुको रुको। तो भाई लोग अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलिएगा, तो दबा के सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। तो जल्दी से फिर मिलेंगे आप हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ट्यून, बाय बाय। I just been living online, my city don't show me no loving, that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about. Telling me I should do this, telling me I should do that. Telling me things about rap. Talking the truth and that stab in my back, they will knock me off track. No, too many things have been building, been hard to deal with, I just been drinking. Remember